फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इक्वेशन टू हैव फर्स्ट इज यूनिक सोल्यूशन, सेकेंड इज नो सोल्यूशन. इज देयर इज वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम हैज मेनी सोल्यूशन. ठीक है ना, तो ये आपका दो इक्वेशन दे रखे हैं. तो सबसे पहला फर्स्ट काम आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक देम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कैसे होता है, सबको आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में लेकर आना है. ठीक है ना, तो हम सबको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है नाउ सेकेंड आपका है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7. तो हम उसको भी वैसी करते हैं, 3x माइनस 5y माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया. नाउ अब नाउ वी विल गो फॉर द कंडीशंस. तो सबसे पहला हमारा है यूनिक सॉल्यूशन, है ना. तो दिस इज योर फर्स्ट इज यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशंस के कोएफिशिएंट्स के कंडीशंस कैसे होते हैं आपके, वी विल राइट फर्स्ट दैट. तो वो आपका होता है ए वन बाई ए टू. पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो आप देख लो. आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0. तो एक्स का कोएफिशिएंट इज ए, वाई का बी एंड सी इज द कॉन्स्टेंट. ठीक है, तो इसमें भी हम सेम करते हैं. तो देखो आपका कैसे रहेगा, यूनिक का इज ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू. ओनली दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से वी विल पुट द वैल्यू इन दिस. तो हमारा क्या आएगा, देखो 2/3 is not equal to k by minus 5. ठीक है, now cross multiply करो, you will get 3k is not equal to minus 10, है ना, 5 into 2 is minus 10. तो k की value क्या आ गई आपकी, k is not equal to minus 10 by 3. तो k की value आपकी ये नहीं होनी चाहिए for unique solution, और कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू डाल दो तो दैट इज यूनिक सॉल्यूशन, बट ये वैल्यू नहीं डालना है. ठीक है, सेकंड क्या बोला है इसने, नो सॉल्यूशंस. तो सेकंड इज नो सॉल्यूशन. तो नो सॉल्यूशन के अंदर आपका रेशियोज कैसे होंगे, नो सॉल्यूशंस किसके होते हैं, पैरेलल लाइंस के. तो वी कैन से पैरेलल लाइंस, और यूनिक सॉल्यूशन होता है हमारा इंटरसेक्टिंग का. ठीक है नाउ, तो नो सॉल्यूशंस के रेशियोज कोएफिशिएंट्स कैसे होंगे आपके, दे आर ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू. Then the two pairs are parallel. तो same form में हम लिखते हैं इसको, तो देखो हमारा क्या आता है, तो हमारा आ जाएगा 2/3 is equal to k by minus 5. That is not equal to minus 1 by minus 7. तो कट कर दिया हमने. ठीक है now. तो अब आपको ये वैल्यू लेनी है ओनली. तो देखो क्या आ रहा है आपका, 3k इज इक्वल टू माइनस 10. तो k इज इक्वल टू माइनस 10 बाई 3. यहां पर देखो और यहां पर देखो, नॉट इक्वल टू और यहां पर इक्वल टू. दैट मीन्स अगर k की वैल्यू हम ये डालते हैं तो वो हो जाएंगे पैरेलल लाइंस. अगर k की वैल्यू हम ये नहीं डालते हैं तो वो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है नाउ, फिर इसने आगे क्या पूछा है, देखो
Is there any value of k for which the system has many solutions? बहुत सारे solutions होने चाहिए. तो बहुत सारे solution किसके होते हैं आपके, किसके होते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस के. दैट मीन्स यू कैन से कोलिनियर लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस, एनीथिंग. तो दैट मीन्स उसके अंदर लाइन आपकी ओवरलैप करती है एक के ऊपर एक. तो वही हम लिखते हैं मैनी सॉल्यूशंस. ठीक है, तो मैनी सॉल्यूशंस के लिए हम सिर्फ चेक कर रहे हैं अभी. तो फर्स्ट कंडीशन, इसकी कंडीशन, इसके कोएफिशिएंट्स कंडीशंस क्या होती है मैनी सॉल्यूशंस की? ऑल शुड बी इक्वल. दैट मींस ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू. ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, इनको इसमें लिखेंगे तो क्या आएगा? देखो, टू बाई थ्री इज इक्वल टू के बाई माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस वन बाई माइनस सेवन. तो माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड. ठीक है ना? अब आप ये दोनों को करके देखो आप, तो यू विल गेट दिस वैल्यू, है ना? अगर आप ये दोनों कर रहे हैं तो यू विल गेट दिस वैल्यू. दैट मीन्स k इज इक्वल टू माइनस टेन बाई थ्री. ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, इसको करके देखते हैं. तो क्या हो गया आपका, देखो, सेवन के इज इक्वल टू माइनस फाइव. तो k इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई सेवन. तो आपने दो को किया तो वैल्यू इज डिफरेंट, है ना? वैल्यू इज डिफरेंट. तो दैट मीन्स आपके k की कोई वैल्यू नहीं है अभी यहां पर. इन दिस सॉल्यूशन k की कोई वैल्यू नहीं हो सकती. कोशिश करो थर्ड वाले को. थर्ड वाला हमने ले लिया ये एंड ये, तो बोथ शुड बी इक्वल. तो टू बाई थ्री एंड वन बाई सेवन तो आपका इक्वल है ही नहीं, है ना? तो दैट मीन्स आपकी k की इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी. दैट मीन्स इसने क्या पूछा, देयर इज एनी वैल्यू, देयर इज देयर एनी वैल्यू ऑफ k? तो वी कैन राइट इट नो, नो वैल्यू. ठीक है, तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जिससे ये मैनी सॉल्यूशंस बन जाए. ठीक है,